बकल कैविटी। तो बकल कैविटी को जानने से पहले हम लोग बकल मास के बारे में जानेंगे कि बकल मास क्या होता है। तो ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग बकल मास बोलते हैं, इसको हम लोग बकल मास कहेंगे। ये बकल मास क्या होता है? तो यह एक ऑर्गन है जो कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इंटीरियर पार्ट में पाया जाता है, यानी कि सबसे ऊपर वाले हिस्से में ये आपको देखने को मिलेगा। तो बकल मास जो होता है ये आकार में बहुत आकार में बड़ा रहता है, और इसका जो शेप होता है वह पियर शेप में होता है। इसका जो वाल होता है, ये वाल है जिसे ये फॉर्म हुआ हुआ है, तो ये वाल जो होता है काफी थिक होता है और हाईली मस्कुलर होता है। और बकल कैविटी क्या होता है? तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? बकल मास बोलेंगे। और बकल कैविटी क्या होता है? तो बकल कैविटी बकल मास के अंदर का जो खाली जगह होता है, इस खाली जगह को हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। अब इस बकल कैविटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है जिसको हम लोग यहां पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एक है जॉ, यानी कि जबड़ा। दूसरा हो गया ओडेंटोफोर, ये ओडेंटोफोर है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद तीसरा जो है सो रेटिकुला। ये तीन ऑर्गेन जो है सो इसके अंदर का इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है। तो सबसे पहले हम लोग जॉ यानी कि जबड़े के बारे में देखते हैं। तो ये जो जॉ है, जबड़ा है, या ये जो पूरा बकल मास है, तो बकल मास का जो वाल है, इस बकल मास के वाल से ये अटैच रहता है, यानी कि इस जॉ का जो इंटीरियर पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है, वह बकल कैविटी में लटका हुआ है, तथा इसका जो बेसिकल पार्ट है वह बकल मास के वाल से अटैच है। तो इसमें अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जब इस बकल मास में जो क्यूटिकल लाइनिंग होती है, तो यह क्यूटिकल लाइनिंग जो है, जब यहां पर जो है सो यह काफी जमा होकर ठीक हो जाता है, मोटा हो जाता है, तब जो है सो इस जॉ यानी कि जबड़े का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो जॉ है यानी कि यह जबड़ा जो है, यह एक पेयर में होता है, और तथा प्रत्येक जबड़े में जबड़ा जो होता है वह मोटा होता है, और ये दोनों जबड़े जो होते हैं आपस में एक पतले क्यूटिकल मेम्ब्रेन के द्वारा अटैच रहता है। प्रत्येक जबड़े पर ये जो है सो प्रत्येक जबड़े पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे तथा कुछ बड़े टूथ के समान, यानी कि दांत के समान, दांत नहीं होते हैं लेकिन दांत के समान ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और इस टूथ के समान जो स्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल यह किस लिए करता है? तो वह भोजन को काटने के लिए करता है। उसके बाद ये जो जबड़ा है, ये आप देख रहे हैं कि यह जो है बकल कैविटी, जो इसके अंदर खाली जगह है, उसमें नीचे की तरफ यह लटका हुआ है। इसके कारण से इस बकल कैविटी का के अंदर का जो स्पेस है वह दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। इधर जो है सो ज्यादा है और इधर जो है सो कम स्पेस है। तो इधर वाले स्पेस को हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और इधर वाले स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कैविटी। यानी कि इसके कारण से ये जो बीच में लटका हुआ है, इसके कारण से स्पेस जो है बकल कैविटी क्या हो गया? दो अनइक्वल पार्ट में, इधर ज्यादा स्पेस है इधर कम है, इसलिए इसको इक्वल पार्ट में नहीं बोलेंगे। तो दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? कैविटी, और इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल क्या होता है? तो वेस्टिब्यूल जो है ये जो ट्यूब लाइक जो खाली जगह है ना, ट्यूब लाइक जो खाली जगह है, इसको हम लोग वेस्टिब्यूल बोलेंगे। और यहीं पर क्या है? माउथ है। इस माउथ के द्वारा यह क्या करता है? जो भोजन है इसका, उसको पाइला का, उसको यह क्या करता है? रिसीव करता है। उसके बाद यहां पर जो है एक स्पिंचर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है सो क्या है? स्पिंचर। तो स्पिंचर जो होता है, ये जो वेस्टिब्यूल है, ये वेस्टिब्यूल जो खाली जगह है, तो इसका जो वाल है ये जो है सो स्पिंचर कहलाएगा। यानी कि ये खाली जगह है, तो इसका जो वाल है, ये वाल पर जो है, ये वाल जो है सो क्या है? इसका स्पिंचर है। तो स्पिंचर जो होता है यह मसल्स फाइबर का बना हुआ है। यह किस चीज का बना हुआ है? मसल्स फाइबर का बना हुआ है। और यह जो है सो करता क्या है कि जिस समय पाइला जो है स्नेल भोजन करता है, तो भोजन करने के समय यह माउथ को ओपन करने में मदद करता है। उसके अलावा ये जो जबड़ा है, जॉ,
है ना, इसको ऑपरेट करने में, ताकि जो है सो जबड़ा क्या कर सके, भोजन को काट सके, इसमें इसको जो है सो हेल्प करता है। ये दोनों जो है सो माउथ और जॉ जबड़ा, ये दोनों जो है सो स्पिंचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो बकल कैविटी के अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओडेंटोफोर। तो ये जो ओडेंटोफोर है, ये जो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओडेंटोफोर। तो ओडेंटोफोर जो होता है, ये बकल कैविटी के अंदर जो इसका फ्लोर होता है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फ्लोर, और इसको बोलेंगे रूफ। ऊपर वाले पार्ट को रूफ बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को फ्लोर बोलते हैं। तो इसके फ्लोर पर ये जो आप जो देख रहे थे, ये इसके रूफ पर हो गया, और ओडेंटोफोर जो है ये इसके फ्लोर पर इसके एक मस्कुलर स्ट्रक्चर का आउटग्रोथ होता है, ये बाहर की तरफ उभर जाता है। तो ये जो बाहर की तरफ उभरा हुआ स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ओडेंटोफोर बोलते हैं। तो ओडेंटोफोर जो होता है, इसको जो है सो दो एसेसरी पार्ट सपोर्ट करता है। तो एक तो पार्ट जो होता है ओडेंटोफोर के आगे होता है, जो ये कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं जो इसको सपोर्ट करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ ओडेंटोफोर, जो इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। और ये जो कार्टिलेज होता है ओडेंटोफोर के आगे का जो पार्ट होता है, आगे से ये सपोर्ट करता है। और ठीक इसके पीछे ओडेंटोफोर के ठीक पीछे भी एक पतला मेम्ब्रेन होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ओडेंटोफोर के पीछे का जो पार्ट है, ये एक पतला मेम्ब्रेन है, ये भी इसको क्या करता है कि सपोर्ट ही करता है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सब रेडुलर मेम्ब्रेन। ये दोनों जो है कार्टिलेज और ये कार्टिलेज ऑफ ओडेंटोफोर और सब रेडुलर मेम्ब्रेन, दोनों इस ओडेंटोफोर को क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। उसके बाद जिस तरह से ये पूरा जो बकल कैविटी था, इस बकल कैविटी को ये जॉ दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो पीछे वाले पार्ट को जो बड़ा सा रीजन था उसको जो है सो हम लोग बोलते थे कैविटी, और जो आगे छोटा ट्यूबुलर पार्ट था उसको हम लोग बोले वेस्टिब्यूल। अब इसके आगे जो कैविटी है, इसको भी यह क्या करता है कि जो ओडोंटोफोर है वह जो है सो क्या करता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ओडेंटोफोर और जॉ, इस दोनों के बीच के जो आगे का जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं सब लिंगुअल कैविटी, और इसके जो पीछे का जो रीजन है, पीछे का जो क्षेत्र हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं रेडुलर सैक। इसको पीछे वाले जगह को क्या बोलेंगे, रेडुलर सैक, और आगे वाला यानी कि ओडेंटोफोर और जॉ, इस दोनों के बीच का जो कैविटी है, जो खाली जगह है, इसको बोलेंगे सब लिंगुअल कैविटी। ओडेंटोफोर के आगे एक प्रोसेस फॉर्म होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब रेडुलर ऑर्गन। अब इस ओडेंटोफोर के पीछे ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बकल कैविटी के अंदर, ये इसको हम लोग बोलते हैं रेडुला। तो ये जो रेडुला है, ये ब्राउनिश कलर का होता है और टाइटेनियस होता है, और तथा कर्व होता है। कर्व यानी कि थोड़ा टेढ़ा, यानी जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये झुका हुआ है, थोड़ा टेढ़ा है। तो इस रेडुला को, ये रेडुला जो है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है, ये रिबन के जैसा स्ट्रक्चर है। तो रिबन के जैसा इसका स्ट्रक्चर होने के कारण इसको जो है हम लोग लिंगुअल रिबन भी कहते हैं। तो इस रेडुला को हम जो है सो बाहर निकाल रहे हैं, यहां पर निकाल रहे हैं, जैसा कि आप यहां पर देखो, रेडुला के डोर्सल सरफेस पर आपको बहुत सारे जो है सो ट्रांसवर्स रो देखने को मिलेंगे, बहुत सारा लाइनिंग है। ये जो देख रहे हैं लाइनिंग, इसको हम लोग ट्रांसवर्स रो बोलेंगे। यहां पर देखिए, ये जो है सो ट्रांसवर्स रो है ना, ये ट्रांसवर्स रो है, ये रेडुला है। तो इस ट्रांसवर्स रो के ऊपर हर एक ट्रांसवर्स रो के ऊपर, ये जो ट्रांसवर्स रो है, इस हर एक ट्रांसवर्स रो के ऊपर आपको 7 दांत पाए जाते हैं, 7 टीथ पाए जाते हैं, है ना। जैसे देखिए, हमने यहां पर एक ट्रांसवर्स रो को क्या किया है कि बाहर निकाल दिया है, तो बाहर निकाला है, तो इसमें जो है ये 7 टीथ जो है सो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 7 टीथ में, जैसे कि आप देखिए कि ये जो टीथ है,
इसको सबसे बाहर से देखें तो ये जो है सो आउटर मार्जिनल कहलाता है, इसके जस्ट फिर बगल में इनर मार्जिनल कहलाता है। दोनों मार्जिनल है तो जो बाहर की तरफ है वो आउटर हो गया, जो अंदर की तरफ है इनर है। उसी तरह से इधर भी, इधर वाला ये जो है सो आउटर मार्जिनल हो गया और इसके आगे वाला इनर मार्जिनल हो गया। उसके बाद ये जो है इसकी संख्या दो हुई, दो इधर और दो इधर। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल, जो इनर मार्जिनल के बगल में इसको लेटरल कहते हैं। लेटरल एक इधर भी है और लेटरल एक इधर भी है, और बीच में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मेडियन रेसिडियल। तो ये मेडियन रेसिडियल है, तो ये मेडियन रेसिडियल के लेफ्ट साइड में और मेडियन रेसिडियल के राइट साइड में दोनों तरफ जो है सो आपको तीन तीन जो है सो तीत देखने को मिल रहा है। तो टोटल जो है सो ये 7 तीत हो गए, यानी कि आउटर मार्जिनल, इनर मार्जिनल, लेटरल, इधर से भी आउटर मार्जिनल, इनर मार्जिनल, लेटरल और बीच में मेडियन रेसिडियल। तो अगर इसका डेंटल फॉर्मूला देखे तो दो फिर एक फिर एक फिर एक और फिर दो, दो तीन चार पांच और दो सात, इस तरह से इसमें 7 तीथ जो है सो आपको देखने को मिलेंगे। अब इस रेडुला का फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है? तो रेडुला जो है ये भोजन को काटने का काम करता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि बहुत सारे ट्रांसवर्स रो हैं और हर रो में जो है 7 तीथ पाए जाते हैं। तो ये तीथ जो है सो क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का ये जो है सो काम करता है। ये काटता कैसे है, तो ये जो ओडोन्टोफोर है, ओडोन्टोफोर के ऊपर ये आगे पीछे आड़ी के समान जो है सो चलता है। इसके आगे पीछे क्या करता है, आड़ी के समान चलता है, जिसके कारण जो है सो भोजन कटता जाता है। तो भोजन को काटने के क्रम में कभी कभी क्या होता है कि रेडुला का जो इंटीरियर पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है ना, ये ऊपर का पार्ट टूट जाता है, टूटते रहता है। तो इसके ये ऊपर से टूटते रहता है, तो टूटने के कारण क्या हो जाता है, ये कभी कभी छोटा हो जाता है। लेकिन इसका जो पोस्टेरियर पार्ट है, जो बेस है, जो कि बकल मास से जुड़ा हुआ है, इसका जो नीचे वाला फ्लोर से ये जो जुड़ा हुआ है, यहां पर आपको इसके पोस्टेरियर पार्ट में इसके नीचे में रेडुला मटेरियल रहता है। और इस रेडुला, ये रेडुला मटेरियल क्या करता है कि यह जो इसके सेल को जनरेट करते रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि रेडुला की जो लंबाई है वह बढ़ते रहती है, यानी इसका ग्रोथ जो है सो होते रहता है, इसकी लंबाई में कमी नहीं होती है। अगर टूट भी गया तो भी नीचे से यह बढ़कर फिर ऊपर की ओर ऊपर बढ़ जाता है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं बकल ग्लैंड्स। तो ये जो बकल ग्लैंड्स है, ये जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, तो ये जो ग्लैंड्स है ये इसके आगे जो है सो क्या है, इसोफेगस है। तो ये इसोफेगस और बकल कैविटी, यानी कि यहां पर बकल कैविटी समाप्त होता है और यहां से इसोफेगस शुरू होता है। तो इस दोनों का जो जंक्शन होता है, यहीं पर जो है सो ये बकल ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बकल ग्लैंड्स होता है, इस बकल कैविटी के रूफ में होता है, यानी कि ये ऊपर के ऊपर है, नीचे वाला फ्लोर है और ऊपर वाला क्या है, रूफ है। तो ये रूफ में जो है सो आपको देखने को मिल रहा है। तो बकल कैविटी जो है, बकल ग्लैंड जो है, ये दो ग्लैंडुलर एरिया के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर दो ग्लैंडुलर एरिया रहता है और प्रत्येक ग्लैंडुलर एरिया में दो पैड्स होते हैं और प्रत्येक पैड में बहुत सारे जो है सो ट्रांसवर्स ग्रूव होते हैं और इस ग्रूव के द्वारा फ्लूइड का सेक्रेशन होता रहता है। फ्लूइड जो है सो सेक्रेट होते रहते हैं और यह फ्लूइड क्या करता है कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अर्थात अगर देखा जाए तो यह अपने नेचर से एक एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो कि फूड के डाइजेशन में मदद करता है। देखिए, जैसे कि ये जो है सो बकल ग्लैंड्स है, तो ये दो एरिया में पाया जाता है, पैड है ना, और इसमें जो है सो सभी में ट्रांसवर्स ग्रुप्स, ट्रांसवर्स रो पाए जाते हैं और इस ट्रांसवर्स रो पर बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यही ट्रांसवर्स ग्रुप्स जो है, ये ग्रुप्स है और यही ग्रुप्स क्या करता है कि ये फ्लूइड का सेक्रेशन करता है, जो कि फूड के डाइजेशन में मदद करता है। तो ये जो बकल कैविटी है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बकल मास बोले। यहां से भोजन जो है सो क्या हुआ, इसका ये माउथ है, तो इस माउथ के द्वारा क्या हुआ, भोजन को ये टेकन किया, भोजन आया
उसके बाद जो है सो जबरा अपना काम किया, उसको काट काट छांट किया, फिर उसके बाद जो है सो ये इसके नीचे पीछे रेडिकुला है, रेडिकुला में भी इसको काट है, यानी कि पूरा प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद फिर आगे जो है सो एलिमेंट्री कनाल में इसोफेगस से होकर आगे की ओर चला गया।